खजराना गणेश मंदिर में अब इस साल भगवान गणेश अपने भक्तों को ऑनलाइन दर्शन देंगे। दरअसल कोरोना महामारी के कारण प्रशासन ने बड़े पांडालों पर और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी लगा दी है, जिसके चलते खजराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी सतपाल भट्ट ने बताया कि इस बार भक्तों को भगवान के ऑनलाइन दर्शन कराने की सारा आयोजन किया गया है। इंदौर का प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर जहां हमेशा रौनकें पाई जाती है, लेकिन कोरोना के चलते चतुर्थी के बावजूद यहां रौनक नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सड़कें सुनसान पड़ी है, मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं है। लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु हर साल इकट्ठे होते हैं और इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं। आपको बता दें, खजराना गणेश मंदिर को विशेष दर्जा मिला हुआ है। इंदौर आने वाले हर व्यक्ति एक बार यहां आकर मत्था जरूर टेकता है। आइए बात करते हैं मंदिर के पुजारी जी से कि कोरोना का मंदिर पर क्या असर है। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, इस बार कोरोना काल है, कोरोना के चलते चतुर्थी के बावजूद इतना बड़ा त्यौहार है बप्पा का और उनका पूरा दरबार सूना पड़ा है। अभी जो महामारी से पूरे दुनिया में महामारी है, इस महामारी के देखते हुए यहाँ पे सारे हिंदुस्तान के सारे मंदिर बंद है और यहाँ अपने मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए यहाँ पे आना सबके लिए मना है। और इसमें हमें श्री भगवान की पूजा और स्वयं भट्ट परिवार ही करते हैं और इसमें कोई भी दर्शनार्थी नहीं आ सकते। हम हमेशा हर साल धूमधाम से मनाते हैं, लाखों लोग आते हैं, लेकिन इस साल भगवान जी के दरबार में कोई भी नहीं आ सकता और ये बीमारी के देखते हुए ये इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है कि इसे मंदिर बंद रखना ही जरूरी है। तो पूरे 10 दिन ये मंदिर बंद रहने वाला है? नहीं, मंदिर तो अंदर दर्शन ऑनलाइन चालू है, फिर हम पूजा पाठ चलती रहेगी, लेकिन पब्लिक के भक्तों के लिए अंदर आना प्रवेश गर्भगृह में जाना निषेध है। तो इस बार बप्पा दर्शन अपने भक्तों को दर्शन सिर्फ ऑनलाइन ही देंगे, क्योंकि बप्पा कोरोना के चलते भीड़ इकट्ठी ना हो, जिसके चलते मंदिर प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि मंदिर बंद रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैरिगेट्स लगे हैं, पुलिस है यहाँ पर और श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं, बाहर से ही प्रसाद चढ़ा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और शिखर दर्शन करके वापस घर लौट रहे हैं। पुजारी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। नॉर्मली जब सब कुछ सही होता है, ऐसे समय में चतुर्थी पर यहाँ मेला लगता है और कितने लगभग एक दिन में कितने भक्त आते हैं? करीब यहाँ पे जब भगवान जी का जन्मदिन मनाते हैं तो हर साल पब्लिक भीड़ बढ़ती जाती है। पहले दिन कम से कम 3-3.5 लाख पब्लिक आती है चतुर्थी के दिन, वो पूरे 10 दिन में कम से 7-8 लाख पब्लिक आने का संभावना रहती है। तो लाखों की भीड़ बटोरने वाला ये मंदिर का दरबार इस बार सूना है, बप्पा का दरबार सूना है। बप्पा का दरबार सूना इसलिए है ताकि उनके श्रद्धालुओं को कोई नुकसान ना पहुँचे। कोरोना के चलते सारे मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री बंद की गई है, जिसके चलते इस बार गणेशोत्सव की रौनक, जो कि इंदौर का सबसे खास त्यौहार माना जाता है, गणेशोत्सव की रौनक इस बार कम है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के दर्शन भी सिर्फ ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे। पुजारी जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहती हूँ। जैसे शुरुआत में खबर आई थी कि कोरोना की चपेट में भट्ट परिवार भी आ गया, आपके यहाँ से कौन कोरोना की चपेट में आए थे और अब वो स्वस्थ हैं? हमारे छोटे भाई को हुआ था, लेकिन उसको हमने तुरंत उसको इलाज चालू किया और एकदम स्वस्थ है और एकदम 8 दिन में अच्छे हो गए वो। आप हमारे खबर अंडर के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, कोरोना से बचाव में उन्हें क्या करना चाहिए? हम तो भगवान जी से ही प्रार्थना करते हैं कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी के विशेष ध्यान रखा जाए। जो गाइडलाइन है, जैसा डिस्टेंसिंग रखना, बाहर घर के बाहर नहीं निकलना, बिना काम से बाहर नहीं घूमना और विशेष ध्यान रखे, मास्क लगा के, मतलब जब भी कभी जरूरी काम से निकलना, इसका पालन किया जाए। अपने घरों में रहे तो सुरक्षित रहते हैं और इसका जो पालन जो भी करेगा वो सुरक्षित रहेगा। तो जैसा कि भट्ट साहब ने कहा, पंडित जी ने कहा कि अगर आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे, अगर आप दूरी रखेंगे, अगर आप अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। कोरोना से बचकर रहने में ही, सावधानी में ही सुरक्षा है। बहरहाल इस बार बप्पा दर्शन मंदिर में नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन आप खजराना गणेश मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। बप्पा का दरबार खुला हुआ है। पुजारी जी 10 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ यही मंगल कामना के साथ पूजा कर रहे हैं कि भक्त जल्द से जल्द दर्शन कर सके और कोरोना महामारी से मुक्ति मिल सके। खबर 100 के लिए मैं कनुप्रिया सत्तन।